इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट पाने के लिए इस बेल के आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 14 को। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, एरे की क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन से अंकन का यूज किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 एम्प्टी डिजिट, ऑप्शन 2 एम्प्टीइंग डिजिट, ऑप्शन 3 इंडिकेटर डिजिट या ऑप्शन 4 स्पेसिएटर। एंड द आंसर इज ऑप्शन 1 एम्प्टी डिजिट एंड ऑप्शन 2 एम्प्टीइंग डिजिट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 इज एवरग्रीन, ऑप्शन 2 इज ड्रूपल, ऑप्शन 3 इज जुमला एंड ऑप्शन 4 इज न्यू जैनलिब। और हमारा आंसर है ऑप्शन 2 ड्रूपल एंड ऑप्शन 3 जुमला। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 इज न्यू जैनलिब, ऑप्शन 2 इज सोल, ऑप्शन 3 लिब्सिस और ऑप्शन 4 कोहा। और हमारे आंसर हैं ऑप्शन 1 न्यू जैनलिब और ऑप्शन 4 कोहा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से औपचारिक कम्युनिकेशन के साधन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 एडॉक टॉक्स, ऑप्शन 2 रिपोर्ट्स, ऑप्शन 3 ब्लॉग्स एंड ऑप्शन 4 मीटिंग्स। और हमारे आंसर्स हैं ऑप्शन 2 यानी कि रिपोर्ट्स और ऑप्शन 4th मीटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स के पार्ट्स को पहचानिए। और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 कॉर्पोरेट इंडेक्स, ऑप्शन 2 परमिटर्म सब्जेक्ट इंडेक्स, ऑप्शन 3 सोर्स इंडेक्स एंड ऑप्शन 4th टाइटल इंडेक्स। और हमारे आंसर्स हैं ऑप्शन 2 परम्यूटर्म सब्जेक्ट इंडेक्स, ऑप्शन 3 सोर्स इंडेक्स और ऑप्शन 4th टाइटल इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन से प्रकार के डिस्प्ले रैक्स का इस्तेमाल प्रिंटेड पीरियडिकल्स के डिस्प्ले के लिए किया जाता है? और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 कार्डिक्स, ऑप्शन 2 स्टेप टाइप, ऑप्शन 3 पिजन होल टाइप, ऑप्शन 4 इंक्लाइन टाइप। और आंसर्स हैं ऑप्शन 2 स्टेप टाइप, ऑप्शन 3 पिजन होल टाइप और ऑप्शन 4 इंक्लाइन टाइप। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से तत्व डार्विन के इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 सिचुएशन, ऑप्शन 2 एक्सट्रैक्टिंग, ऑप्शन 3 गैप या ऑप्शन 4 ब्राउजिंग। और हमारे आंसर्स हैं ऑप्शन 1 सिचुएशन और ऑप्शन 3 गैप। क्वेश्चन नंबर 8, एस आर रंगनाथन के अनुसार लाइब्रेरी सिविक्स और हाइजीन से क्या तात्पर्य है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 लाइब्रेरी बिहेवियर, ऑप्शन 2 लाइब्रेरी लेआउट, ऑप्शन 3 फिजिक ऑफ अ बुक और ऑप्शन 4 केयर ऑफ बुक। एंड द आंसर इज ऑप्शन 1 लाइब्रेरी बिहेवियर, ऑप्शन 3 फिजिक ऑफ अ बुक एंड ऑप्शन 4 केयर ऑफ बुक। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से तथ्य ISBN के पब्लिकेशन एलिमेंट के विषय में सत्य हैं? ऑप्शन ए वेरिएबल लेंथ, ऑप्शन बी अप टू 5 डिजिट्स, ऑप्शन सी फिक्स्ड लेंथ या ऑप्शन डी अप टू 6 डिजिट्स। और हमारे आंसर्स हैं ऑप्शन 1 वेरिएबल लेंथ यानी कि इसकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है और ऑप्शन डी अप टू 6 डिजिट यानी इसकी लेंथ 6 डिजिट्स तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्क एनालिसिस का उपयोग निम्न में से किस किस के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर, ऑप्शन बी लाइन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन सी इम्प्रूवमेंट इन वेरियस प्रोसेसेस और ऑप्शन डी यूनिटी ऑफ कमांड के लिए। और हमारे आंसर्स हैं ऑप्शन ए सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजर को सिंपल करने के लिए, और ऑप्शन सी इम्प्रूवमेंट इन वेरियस प्रोसेसेस यानी विभिन्न प्रक्रियाओं की इम्प्रूवमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से इंपैक्ट प्रिंटर्स के प्रकार हैं? ऑप्शन ए इंकजेट,
ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स या ऑप्शन डी लेज़र। और आंसर है ऑप्शन बी लाइन और ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम किसी इंडेक्सिंग लैंग्वेज की विशेषता के लेवल को बढ़ाएं तो निम्न में से किस में वृद्धि होगी? ऑप्शन ए रिकॉल वैल्यू में, ऑप्शन बी प्रोसेशन वैल्यू में, ऑप्शन थ्री सी नॉइस में या ऑप्शन डी रिकॉल और प्रोसेशन दोनों में। और हमारा आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेशन वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 13, जुर्कोवस्की ने 1974 में निम्नलिखित में से किस टर्म को पहली बार इस्तेमाल किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए डिजिटल लिटरेसी, ऑप्शन बी मीडिया लिटरेसी, ऑप्शन सी कंप्यूटर लिटरेसी या ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लिटरेसी। और हमारा आंसर है ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर एक बुलेटिन बोर्ड सर्विस है? ऑप्शन ए पिकासो, ऑप्शन बी गूगल टॉक, ऑप्शन सी ब्लॉग या ऑप्शन डी ओवो। हमारा आंसर है ऑप्शन सी ब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 15, वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑप्शन वन मैनिपुलेट डेटा यानी कि डेटा को मैनिपुलेट करता है, ऑप्शन बी रेप्लिकेट इटसेल्फ यानी कि अपने आप को दोहराता है, ऑप्शन सी डैमेज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को डैमेज करता है या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। और हमारा आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 16, स्टॉप वर्ड लिस्ट कंसेप्ट किस संदर्भ से संबंधित है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी साइटेशन इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी चेन इंडेक्सिंग या ऑप्शन डी कीवर्ड इंडेक्सिंग। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी कीवर्ड इंडेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 17, रेफरेंस सर्विस की मिनिमम मिडलिंग और मैक्सिमम थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए सीएम विंसल, ऑप्शन बी जेम्स सेवियर, ऑप्शन सी सैमुअल रथेस्टन या ऑप्शन डी डीडब्ल्यू लेविस। और हमारा आंसर है ऑप्शन सी सैमुअल रथेस्टन। क्वेश्चन नंबर 18, सेगमेंटेशन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी मार्केट सर्वे रिपोर्ट, ऑप्शन सी डाइजेस्ट सर्विस से या ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस से। और हमारा आंसर है ऑप्शन बी मार्केट सर्वे रिपोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से वेरिएबल को क्वांटिटेटिव यानी गणनात्मक टर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को, ऑप्शन बी मैरिटल स्टेटस को, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को या ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड को। और हमारा आंसर है ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड को। क्वेश्चन नंबर 20, रॉजिट्स इंटरनेशनल थिसारस है ऑप्शन ए क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन बी बुक ऑफ सिनोनिम्स, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स या ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ साइंटिफिक टर्म्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ वर्ड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।